फ्रेंड्स, गीत कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे कटोरी चाट। चाट कई तरीके से बनाई जाती है, आज हम थोड़ा डिफरेंट चाट बनाएंगे, कटोरी चाट। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। कटोरी चाट बनाने के लिए हमने एक बाउल लिया है और उसमें हमने 100 ग्राम के करीबन मैदा ली है। वन फोर्थ टेबल स्पून हम लेंगे अजवाइन। अजवाइन को अच्छे से हाथ से मैश करना है। वन फोर्थ टेबल स्पून के करीबन कसूरी मेथी को भी अच्छे से मैश कर लेना है। कसूरी मेथी ली है। अजवाइन और कसूरी मेथी को अच्छे से हमें क्रश करना है। और 2 चम्मच के करीबन हम लेंगे ऑयल। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा नमक लेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे हम। हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है और इस तरह से इसमें लड्डू बने। तो समझो हमारा ऑयल और की जो क्वांटिटी है वो ठीक है। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप बनाइए। और थोड़ा थोड़ा हम पानी लेंगे और हमें इसका टाइट डो बनाना है, ज्यादा टाइट भी डो नहीं बनाना है। ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज हो। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको हम 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखेंगे। इस तरह से हमें इसे ढक के रख देना है। हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है और अच्छे से इसको हम मसलेंगे। आटे को हमें अच्छे से मसलना है। अब हम इसकी लोइयां तोड़ेंगे। लोइयां तोड़ेंगे हम। हम इसको बेलेंगे और हमें न ज्यादा मोटा और न ज्यादा पतला। एक बड़ी सी पूड़ी की तरह हमें इसे बेलना है। से हमें एक बड़ी सी पूड़ी बेलनी है, ना ज्यादा मोटी और ना ज्यादा पतली। अगर आपके पास इस टाइप की कटोरी है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कटोरी है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये वाली कटोरी का यूज कर रहे हैं, इस वाली का। तो हम इस तरीके से कट करेंगे। होल करेंगे और कटोरी को हमें रखना है इस तरीके से और हमें इस तरह से बंद कर देना है। इस तरीके से हमें सारी कटोरियों को, जरूरी नहीं है आप यही कटोरी यूज करें, आपके पास जो नॉर्मल कटोरी है वो भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमें सारी कटोरियां तैयार करनी है।
और पेड़ा बेलेंगे हम, और जो बड़ी कटोरी है इसको लेंगे। इस तरीके से आप नॉर्मल कटोरी से भी बना सकते हैं। हमारी कटोरियां बनके तैयार हैं। अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई और उसमें लेंगे ऑयल, हमें इनको फ्राई करना है। गैस पर हमने ली है कढ़ाई और उसमें हमने फ्राई करने के लिए ऑयल लिया है। फ्लेम को हमें अभी हाई रखना है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद हम ऑयल को फ्लेम को सिम कर देंगे। एक आटे का तिनका डाल के देखेंगे हमारा ऑयल हुआ है कि नहीं गर्म। अब हम कटोरियां लेंगे और फ्लेम करेंगे हम मीडियम। सारी कटोरियों को इसी तरह से हमें रख देना है। आप टोकरी छोटी बनाना चाहें या बड़ी बनाना चाहें, जैसा भी आप कर सकते हो। हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको अच्छे से फ्राई करना है। ये अपने आप आटा कटोरी को छोड़ने लगेगा, जैसे जैसे ये पकता जाएगा। चाट कई तरीके से बनाई जाती है। अब हम इनको पलटेंगे। सावधानी से निकाल लेंगे। हमारी कटोरियां अच्छे से फ्राई हो गई हैं, कलर भी इनका ब्राउन हो गया है। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम कटोरियों को निकाल लेंगे। उसको रखेंगे। हमने कटोरी को पलट दिया है और ये अच्छे से फ्राई हो रही है। तो ये अपना कटोरी निकल गई है और इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे बाहर। कटोरियां हमारी बनके तैयार हैं। अब हम इनमें स्टफिंग भरेंगे ठंडी होने के बाद। कटोरी चाट की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे छोले चने। अगर आपके पास चने नहीं है तो आप येलो कलर की जो आती है मटर वो ले सकते हैं। हम उसको भिंगो के बॉईल करके आलू लेंगे बॉईल किए हुए। प्याज लेंगे छोटा छोटा कटा हुआ। प्याज छोटा छोटा कटा हुआ। टमाटर, हरा धनिया। आप चाहो तो एक एक इंग्रेडिएंट लेके आप उसमें को टोकरी में यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं सारे मसाले मिक्स करूंगी तो वो अच्छे से सारे मसाले हमारे जो टोकरी का स्टफिंग में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे।
मीठी चटनी, लाल चटनी। हरी चटनी। थोड़ा सा दही लेंगे अभी। वन फोर्थ टेबल स्पून के करीबन चाट मसाला लिया है। भुना हुआ जीरा 1/4 टेबल स्पून। लाल मिर्च 1/4 टेबल स्पून। आप तीखा अपने अकॉर्डिंग रखिए। 1/4 टेबल स्पून के करीबन काला नमक। 1/4 टेबल स्पून के करीबन गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक नॉर्मल वाला। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब लेंगे हम अपनी टोकरियां। अब हमने टोकरियां ले ली हैं। अब हम इसमें रखेंगे स्टफिंग। अब हम लेंगे थोड़ी सी लाल चटनी। थोड़ी सी हरी चटनी। दही। दही लेंगे। और लेंगे नमकीन। नमकीन सेव आते हैं छोटे वाले, वो हमने यहाँ पे यूज किए हैं। आप कोई सा भी कर सकते हो। और हम लेंगे अनार के दाने। धनिया स्प्रिंकल करेंगे। हमारी जो बड़ी कटोरी वाली चाट थी वो भी तैयार हो गई है। और मेरे चैनल पे बने रहिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।